चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये मोबाइल चार्जर का सर्किट है। इसमें पहले मैंने एक पहले वीडियो बनाया है पार्ट नंबर 1, उसमें मैंने यहां तक आपको समझा दिया था। आज ये पार्ट 2 है। अगर वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन में ऊपर दे दूंगा, उस वहां से देख लेना। और आज ये पार्ट 2 चालू करते हैं। ड्राइवर सेक्शन है वो कैसे काम करता है। ये ट्रांजिस्टर तो स्विचिंग कर रहा था, स्विचिंग अपने हिसाब से ये करता रहेगा। अब इसको ड्राइव करने के लिए एक ट्रांजिस्टर और लगाया जाता है, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जिसका ये कलेक्टर होता है, ये इमिटर होता है और ये बेस होता है। और ये नीचे से यहाँ से ग्राउंड कर दिया जाता है, ये यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है। थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ ये ग्राउंड हो जाता है और इसमें यहाँ एक रजिस्टेंस लगा के इसको इधर से ग्राउंड कर दिया जाता है। ये जो ग्राउंड है, ये नीचे का ग्राउंड, इसी ग्राउंड को इसमें कर दिया जाता है। ये रेजिस्टेंस जो नीचे लगी होती है, ये नाम मात्र की होती है, 20 से 22 ओम या 10 ओम इतने की रेजिस्टेंस लगी होती है, ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस नहीं होती इसमें। अब ये ड्राइवर सेक्शन है, ये किस प्रकार काम करेगा, अब इतना तो आपको इसमें आ गया समझ में, मैंने अलग से बता दिया। उसके लिए क्या है, यहां से फीडबैक देना पड़ेगा। अब अपने इस सर्किट पे आ जाते हैं, जो सर्किट मेरा पहले से बनाया हुआ है उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ये सर्किट है, इसमें क्या करते हैं कि जो आउटपुट है अपनी, अब अगर आगे यहाँ वोल्टेज ज्यादा हो गई तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी और ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर अपने हिसाब से स्विचिंग करता रहेगा। तो यहाँ की जो आउटपुट की वोल्टेज है उसको कंट्रोल करने के लिए भी अपने रेगुलेटेड यहाँ 5 वोल्ट मिलती रहे, 5 वोल्ट से ज्यादा ना हो। यहाँ अगर आगे वोल्टेज बढ़ जाए तो भी 5 वोल्ट मिले, आगे की वोल्टेज घट जाए तो भी 5 वोल्ट मिले। तो ये यहां से सेंस करता रहता है। इसमें क्या करते हैं कि पॉजिटिव लाइन से एक जिन्नर डायोड लगा के, ये जिन्नर डायोड अपने 4.2 वोल्ट की लगाई है, ये आगे अपने 5 वोल्ट ले रहे हैं इसके हिसाब से ये लगाई गई है भी। इस यहां तक तो ये जिन्नर डायोड वोल्टेज आगे क्रॉस नहीं करने देगी, इससे अगर ऊपर यहाँ वोल्टेज होए 5 वोल्ट से ऊपर होते ये 4.2 वोल्ट को तो ये कंट्रोल कर लेगी, यहीं तक रोक लेगी। और उससे ऊपर अगर वोल्टेज होए तो फिर यहाँ से वोल्टेज आगे इस ऑटो कपलर के पिन नंबर 1 पे चले जाएगा। यहाँ जैसे डॉट लगी है तो यहाँ पिन नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये इस प्रकार इसकी पिन होती है ऑटो कपलर की। तो यहाँ एक LED लगी होती है, LED को जलने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, मान लो 0.9 वोल्ट या 1 वोल्ट करीबन, तो वो इतनी ड्रॉप ये LED करेगी। अगर यहाँ 5 वोल्ट से ऊपर कोई वोल्टेज हुई तो ये जिन्नर से पास होके ये LED ग्लो कर जाएगी और LED का नेगेटिव पॉइंट यहाँ ऊपर लगा हुआ है। अब LED ग्लो करेगी तो यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसकी बेस के ऊपर, जैसे ही LED की लाइट पड़ेगी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसमें एक डायोड लगाकर और एक नीचे कैपेसिटर लगा के, डायोड लगा के यहाँ DC की जाती है और कैपेसिटर लगा के DC को स्मूथ करके यहाँ से ये यूं बाहर निकाली जाती है और ऑटो कपलर की 4 नंबर पिन पे जहाँ कलेक्टर है उसके ऊपर दे दी जाती है। ये ट्रांजिस्टर है उसके 3 नंबर ईमीटर से ये ऐसे करंट गुजरेगी और जो अपना दूसरा ट्रांजिस्टर, ये ड्राइवर सर्किट है, ड्राइवर सर्किट के इसके बेस के ऊपर आके ये पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, क्यों ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, इसके पॉजिटिव वोल्टेज मिलते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब इस पे यहाँ 1 वोल्ट ऊपर फालतू हुआ है तो 1 वोल्ट के हिसाब से यहाँ से करंट आएगा, तो यहाँ मामूली सा करंट इधर से चालू हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, फुल ऑन नहीं होगा, पार्शली ऑन हो जाएगा। उससे क्या है कि करंट इधर से गुजरने लगेगा। अब एक्जिलरी वाइंडिंग से जो अपना करंट इधर जा रहा था T1, मैं आपको समझा देता हूं, ये T1 है, ये T2 है, ये ट्रांजिस्टर 1 है, ये ट्रांजिस्टर 2 है। T1 पे जो बेस पे करंट जा रहा था वो अब क्या हुआ, करंट कम हो गया, क्योंकि यहां पर आने पे कुछ बेस को करंट आएगा, कुछ इधर इस ट्रांजिस्टर से ग्राउंड हो जाएगा। इस प्रकार करंट यहां बेस पे कम होगा, कम होते ही बेस पे यहां से करंट क्या होगा कि यहां कम गुजरना शुरू हो जाएगा ये प्राइमरी वाइंडिंग से, तो इससे करंट कम गुजरना शुरू होगा तो यहाँ फ्लक्स कम बनेंगे, फ्लक्स कम बनेंगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज भी कम बनेंगे,
और वोल्टेज कम बनेंगे तो यहाँ की वोल्टेज ऑटोमेटिकली डाउन होगी। अगर यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट होते ही ये एलईडी ऑफ हो जाएगी, एलईडी ऑफ होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही ये ऑफ हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही वापिस इसको वही वोल्टेज इसके बेस पे सारी मिलती रहेगी और ये स्विचिंग वापिस अपने हिसाब से करता रहेगा। इस प्रकार ये फीडबैक सेंस किया जाता है। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, ये जो कैपेसिटर लगा होता है, मैं ये छोटे वाला कैपेसिटर होता है, ये जो कैपेसिटर लगा है, ये जो भी आप मोबाइल चार्जर या एसएमपीएस की सप्लाई में देखोगे तो ये छोटा एक कैपेसिटर आपको साथ में जरूर मिलेगा। एक मैन कैपेसिटर जो ये है और एक ये छोटा कैपेसिटर, ये मैन कैपेसिटर, ये छोटा कैपेसिटर, इसके साथ में मिलता है कि कोई भी सप्लाई लोगे तो उसके साथ में एक आपको ये छोटा कैपेसिटर, ये मैन कैपेसिटर, तो ये छोटा कैपेसिटर इसके साथ में मिल जाएगा। अब एक चीज आप में और बता देता हूँ कि इसमें तो ऑटो कपलर लगा हुआ है। कई मोबाइल चार्जर होते हैं, जैसे ये मोबाइल चार्जर है, इसमें दो ट्रांजिस्टर तो लगे हुए हैं, पर दो ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ कोई ऑटो कपलर, ना तो आगे की साइड ऑटो कपलर है ना पीछे की साइड ऑटो कपलर है। तो इसमें ऑटो कपलर ना होने के बजाय अब तो ये ऑटो कपलर यहाँ से कंट्रोल कर रहा है अपनी, इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव दे रहा है। और जब ऑटो कपलर नहीं हो तो फिर ये आउटपुट कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग से अपने डायोड लगा के डीसी की है, डीसी के बाद कैपेसिटर लगाया है, आउटपुट अपनी ये यहां से मिली है। उसी प्रकार ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें भी एक डायोड लगाया है, एक कैपेसिटर लगा के इसको भी स्मूथ करके यहां से जो आउटपुट ली है, ये जो आउटपुट ली है ये ट्रांजिस्टर देंगे। अब मैं आपको यहां बताता हूं इसमें क्या होगा। अब यहां क्या आएगा, यहां भी एसी बन रही है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहां एक डायोड लगाया जाता है, डायोड लगा के इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहां एक कैपेसिटर जो मैंने अभी आपको दिखाया छोटे वाला कैपेसिटर, ये प्लस माइनस ये लग के यहां से पॉजिटिव, यहां से तो पॉजिटिव वोल्टेज ले ली, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहां आ गई। और इस पॉजिटिव ऑटो कपलर है नहीं, इसके अंदर ऑटो कपलर नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। इसमें यही सप्लाई बेस पे देनी है और ये बेस है, बेस पे क्या करेंगे, यहां पे एक जिनर लगेगी। अब मैं जिनर बना देता हूं यहां पे, ये जिनर इस प्रकार लगेगी, यहां से पॉजिटिव वोल्टेज चलेंगे और इस जिनर से होके इस बेस को मिलेंगे। अब जिन्नर अपने यहां क्या करते हैं कि ये जो वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न सेम होते हैं, सेम तार से टर्न किया जाता है। अगर यहां 5 वोल्ट इंड्यूस हो रहे हैं तो यहां ही 5 वोल्ट इंड्यूस हो गए, इस हिसाब से ये ट्रांजिस्टर इसमें बनाया जाता है। और इससे क्या होगा कि यहां 5 वोल्ट है तो यहां 5 वोल्ट आगे मिल रही है, यहां 6 वोल्ट होते ही यहां 6 वोल्ट हो जाएंगे, और 6 वोल्ट होते ही क्या होगा, ये 6 वोल्ट जिनर पे जाएगा। ये जिनर मान लो 4.2 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है या जितने का भी है, जितनी अपने आगे वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से यहाँ जिनर लगाया जाता है। इतनी वोल्ट होने पे तो ये जिनर ऑन नहीं होगा, और इतने वोल्ट से ज्यादा होते ये जिनर ऑन हो जाएगा और यहां से ये बेस पे करंट आ जाएगा, फिर ये ड्राइवर सर्किट वैसे के वैसे ही काम करता रहेगा जिस प्रकार मैंने ऑटो कपलर वाला बताया था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक अगर लोड ज्यादा लगा दे, अगर आगे आप लोड ज्यादा लगा दोगे, यहाँ पे लोड ज्यादा लगा दोगे तो लोड ज्यादा लगाने पे यहाँ की वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ की वोल्टेज कम ड्रॉप है क्योंकि यहाँ इस आउटपुट में वोल्टेज लोड कम है, तो ये फिर मेच नहीं खाएगा। ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एक मोबाइल चार्जर के लिए बनाया होता है जिसपे वो मोबाइल चार्जर पे काम करता है, किसी भी ये एक डिवाइस के लिए ही काम करेगा। इसमें अलग अलग आप लोड बदल नहीं सकते, सिर्फ एक ही लोड जो जिसपे निर्धारित किया है उसी लोड पे ये काम करेगा, ये जिनर वाला। और जो ऑटो कपलर वाला है उसमें आप कोई भी आप लोड लगा सकते हो। एक और चीज बता देता हूं, उसमें अगर यहाँ की वोल्टेज आपको बढ़ानी है या घटानी है तो ये जिन्नर ये आप अलग अलग वोल्टेज के लगा के यहाँ की वोल्टेज घटा भी सकते हो, यहाँ की वोल्टेज बढ़ा सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।